चलिए बढ़ते हैं आगे। कैथल की अतिरिक्त मंडी का कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना। कृषि मंत्री ने गेहूं उठान को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि किसानों को बर्बाद फसल का मुआवजा जल्द मिलेगा। साथ ही उन्होंने मंडी में शेड लगवाने का आदेश भी दिया है। मंडी का दौरा किया और ये हरियाणा की हमारी बड़ी मंडियों में से एक है और कैथल शहर में तीन मंडियां हैं। तो गेहूं की अराइवल का आकलन लिया। हमारे अधिकारी बैठे हैं, सारे जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, मंडी के हैं। और यहाँ पर अराइवल जो है बहुत अच्छी है। लगभग 54,60,000 बोरियां आ चुकी हैं यहाँ क्विंटल की। और पिछले साल से इस दिन में 40,00,000 आई थी, तो ज्यादा अराइवल है। फसल इस बार लगता है कि पहले से ज्यादा आएगी। और इस मंडी में लिफ्टिंग का भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लगभग 43% का लिफ्टिंग हो चुकी है। फिर भी मैं कहता हूँ डिप्टी कमिश्नर को, इनको, कि लिफ्टिंग को बढ़ाए, क्योंकि बेमौसमी बारिश से डर रहता है कि फसल भीग ना जाए। कल भी थोड़ी बहुत बूंदा बांदा जा रही थी, हालांकि मैंने चेक किया है वो ज्यादा दुखी हुई फसल नहीं है। हमारा ये इस बार जो परचेज चल रही है पहले से अच्छी है। जो दाना है खराब था उसकी परमिशन मैंने भारत सरकार से ले ली। लस्ट ब्लॉस की किसान को कोई पैसा नहीं काटा जाएगा।